वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। ईश्वर ने जीवन की भिन्न भिन्न रंगों से अभूतपूर्व रचना की है। मनुष्य कितना भी चाहे कि उसके हिस्से में केवल आनंद ही आनंद रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जहाँ सुख की लालसा हो वहाँ कष्ट झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए। पीड़ा एक सच्चाई है। जहाँ सुख का सदैव स्वागत होना सर्वथा निश्चित है, वहीं दुख और पीड़ा के आने पर अपने भाग्य को धिक्कारना या दूसरों को उसके लिए उत्तरदायी ठहराना कहाँ तक तर्कसंगत है। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने से ही जीवन के कठिनतम पाठ कंठस्थ हो पाते हैं, जो जीवन यापन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ करते हैं। जिसने इस संघर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकारा हो, उसे झेले गए कष्टों की पीड़ा कम होगी। दुखानुभूति तो अपनी मनःस्थिति पर निर्भर है। वह निराकार होते हुए भी अति प्रचंड रूप ले सकती है। यह भ्रांति की समस्त दुख बाह्य परिस्थितियों की देन है और उसका निराकरण चारों ओर के प्रभाव मंडल को बदलने से ही हो सकता है, उपयुक्त नहीं है। यदि ऐसा होता तो समस्त सुख सुविधाओं से लैस व्यक्ति संसार में सबसे सुखी होता। हमने तो गरीब की झुग्गी झोपड़ी से फूटती किलकारियों को सुना है। छोटे से बच्चे को सस्ते से खिलौना पाते ही आनंद विभोर होते और दूसरी ओर वैभव संपन्न व्यक्ति को बिलखते देखा है। हम अपने कष्टों के प्रति जितने संवेदनशील होंगे, दुख की अनुभूति का आभास उतने ही अनुपात में होना निश्चित है। जीवन है तो सुख दुख आते जाते रहेंगे। जैसे हम आनंद को सहर्ष स्वीकारते हैं, उसी तरह पीड़ा को भी अदम्य साहस से भोगना आना होगा, वरना उससे पार पाना बेहद कष्टकारी होगा। यह सही है कि जो व्यक्ति दुख से जूझ रहा है उसकी पीड़ा तो वही समझ सकता है, उसका विश्लेषण दूसरा नहीं कर सकता है। पर दुख के प्रति सकारात्मक सोच व्यक्ति को जीवन के सहज मार्ग पर चलने में सहयोगी अवश्य हो सकती है। दुखानुभूति को चुनौती मान आगे बढ़ने से प्राप्त सफलता फिर एक नई चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार कर देती है। स्टॉप। अगर डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।